हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि मोनू किचन्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गेहूं के आटे की इतनी हेल्दी सी रेसिपी जिसे आप देखते ही बना करके तैयार करेंगे और बनाना भी बहुत आसान है। और ये देखिए लग रहा है ना कितने बढ़िया है मोदक, देखने में खाने में भी उतने ही टेस्टी, झटपट से बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बहुत ही टेस्टी हेल्दी गेहूँ के आटे के मोदक। गेहूं के आटे के मोदक बनाने के लिए आधा कटोरी मैंने देसी घी लिया है। तो सबसे पहले पैन में हम घी डालेंगे। अभी मैं इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल रही हूँ। पूरा घी हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो 1 कटोरी मैंने आटा लिया है, आटे को छान करके लिया था, तो इसे भी डाल देंगे। गैस को लो ही रखेंगे। जब भी आप मोदक बनाने के लिए आटे का यूज़ करें तो आटे को आप पहले ही छान लें। और अब आटे को हमें एकदम अच्छे से भूनना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम आटे को भूनेंगे। आटे को भूनते समय आपको इसे चलाना बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। लगातार चलाते हुए अच्छे से खुशबू नहीं आ जाती और हल्का सा आटे का कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक हम आटे को भूनेंगे। और ये आटा आपका जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें से एकदम अच्छे से खुशबू आने लगेगी और इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा। और देखिए इसे हम लगातार चलाते हुए भून रहे हैं, वरना ये नीचे से आटा हल्का सा जल सकता है। आटे को भूनते समय आप इसे लगातार चलाएं। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो नीचे तरफ से ही आटा आपका हल्का सा लगने लग जाएगा और उसके कारण मोदक का टेस्ट खराब हो जाएगा। और अब आटे को हम 6 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। 7 मिनट हो चुका है और आटे का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है आटे में से। अब थोड़े से मैंने काजू बादाम को ग्रेट करके लिया, तो उसे भी डाल देंगे। आप चाहें तो एकदम बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसे मैं नारियल बूरा डाल रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के कोई भी डाल सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। और बाकी बचा हुआ घी भी इसमें ऐड कर देंगे हम। और घी और ड्राई फ्रूट्स को एकदम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि ड्राई फ्रूट्स भी हमारे अच्छे से भुन जाएं। ड्राई फ्रूट्स को भी हमने आटे के साथ में अच्छे से भून लिया है। इस आटे को मैंने टोटल 8 मिनट के लिए भूना है। तो अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब गैस के ऊपर मैंने पैन रखा है, उसे मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच घी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कटोरी मैंने गुड़ लिया है। मीठे की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब गुड़ को हम मेल्ट करेंगे। इसमें आपको गुड़ की चाशनी नहीं तैयार करनी है, सिर्फ गुड़ को हमें मेल्ट करना है। और अगर आप चाहें तो पाउडर वाले गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। लो फ्लेम पर अच्छे से गुड़ को मेल्ट करेंगे, बहुत ही हेल्दी इससे मोदक बन करके तैयार होंगे। आप गुड़ की जगह पर शक्कर डाल के भी ये मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। गुड़ को एकदम अच्छे से मेल्ट करेंगे जिससे कि गुड़ के एक भी बड़े पीसेस ना रहें। और ये देखिए गुड़ भी हमारा एकदम अच्छे से मेल्ट हो चुका है, गुड़ के एक भी बड़े पीसेस नहीं दिख रहे हैं। तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये जो हमने आटे को भून करके रखा है। और गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और फटाफट से इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को आप तुरंत ही बंद कर दें ये आटा डालने के बाद, और एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। आटे को हमने गुड़ के साथ में एकदम अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे। मिक्सचर को हमने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अब ये मैंने लिया है मोदक मोल्ड और इसे मैंने अंदर से घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ये आपको किसी भी किराने वाले के शॉप पे आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसे बर्तन वाले के यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। और जब भी आप मोदक बनाएं तो इसे घी से ग्रीस ज़रूर कर लें। इसे इस तरीके से बंद करेंगे और ये जो मिक्सचर है इसे अंदर डालेंगे। ये देखिए मेरा मिक्सचर एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हुआ है। और अगर आपका मिक्सचर ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें 1-2 टेबल स्पून दूध डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच घी को मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से उंगली से दबा दबा के इसके अंदर मिक्सचर को हमें भरना है। देखिए अब इसे हम खोल लेंगे और ये देखिए कितना बढ़िया ये मोदक हमारा बन करके तैयार हुआ। एकदम पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए लग रहा है ना कितना बढ़िया है मोदक देखने में। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे और ये देखिए बहुत ही टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे का मोदक हमारा तैयार है। तो इसे हम एक प्लेट के ऊपर रख लेंगे। एक और मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। ये मिक्सचर लेना है और डालना है और उंगली से इस तरीके से प्रेस करते जाएं जिससे कि मोदक एकदम प्रॉपर शेप में आ जाए। या फिर आप चाहें तो एकदम छोटे साइज़ के स्पून ले लें, उससे भी आप इसे अंदर अच्छे से दबा करके भर सकते हैं मिक्सचर को।
मिक्सचर को हमने एकदम अच्छे से फिल कर दिया है, तो इसे अब खोल लेंगे। और ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं ये लुक वाइज मोदक हमारे देखने में, इसे भी हम बाहर निकाल लेंगे। और ये देखिए ऐसे ही सभी मोदक को बना करके तैयार कर लेंगे हम। बहुत ही टेस्टी हेल्दी गेहूं के आटे के एकदम टेस्टी से मोदक हमारे तैयार है, और लग रहे हैं ना कितने बढ़िया देखने में, खाने में भी उतने ही टेस्टी और झटपट से ये मोदक बन करके तैयार हो जाते हैं। बनाना भी बहुत आसान है, तो एक बार आप मेरी मोदक की रेसिपी को ट्राई जरूर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही ऑल बेल आइकन को प्रेस करें जिससे जो भी मैं वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहता हूँ। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, बाय बाय एवरीवन।